तो यार क्या हम इस वाले ट्रांसफार्मर से मिनी वेल्डिंग मशीन बना सकते हैं? चलो देखते हैं। उसके लिए हम इस वाले सेकेंडरी तार को निकाल देंगे। कुछ इस तरह निकालने के बाद हम कॉपर के वायर ले और वेंडिंग कर देंगे। वेंडिंग करने के बाद और कुछ वायर लेंगे और जोड़ देंगे। सीधे ही 220 वोल्ट एसी पर जोड़ देंगे। तो यार देख सकते हैं हमारा ट्रांसफार्मर अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए हम इसे गेट को वेल्ड करके देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए।